फिर एक ऑफिशियल लेटर के लिए उन्होंने अपने मिनिस्टर को भेजा था उड़ीसा कि फॉर्मली आप एग्री कर लीजिए शादी का। तो फिर मिनिस्टर आया, जाने वाला था, तो पुरुषोत्तम ने बोला कुछ ही दिन में राज, वो खुश थे, एक तो रथ यात्रा थी इसलिए खुश थे और दूसरा उनका शादी हो रही थी, तो उन्हें बोला कि अब थोड़े दिन में रथ यात्रा आ रहा है, बहुत बड़ा उत्सव है जगन्नाथ जी का, रथ यात्रा देख के ही जाएगा, तो रुक गए। अब जिस दिन रथ यात्रा आया, देखा उन्होंने मिनिस्टर ने कि राजा झाड़ू लेके साफ कर। अब मिनिस्टर भक्त नहीं था तो उसको लगा अरे इतना बड़ा राजा क्या कर रहा है, झाड़ू मार रहा है। वो तो भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन वो मिनिस्टर समझ नहीं पाया, वो सोचा कि क्या कर रहे भगवान की, वो तो भगवान को जानता है, तो वो सोचा कि ये तो भंगी है, क्या है डोम चमार। तो जाके राजा को कंप्लेन कर दिया कि शादी नहीं हो सकती, वो तो डोम चमार, वो झाड़ू मारता है, वो क्या मारता है, तो शादी कैंसिल कर दी गई। शादी क्या कर दी गई, पुरुषोत्तम देव को बहुत बुरा लगा जब पता चला कि मेन है कि शादी किस लिए कैंसिल की गई, क्योंकि तो वो झाड़ू मार रहे थे इसलिए, तो उनको थोड़ा तो बुरा लगा कि वो झाड़ू मार रहे थे इसलिए कैंसिल हो। दूसरा भगवान को ऐसा, भगवान की सेवा को इतना निम्न माना गया, तो उनको बहुत बुरा लगा, भगवान की इंसल्ट हुई। और फिर उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर कर दिया, क्या कर दिया, और सभी राजाओं को बुलाया, इनको नहीं बुलाया, तो और गुस्सा आ गया, तो इन्होंने आक्रमण कर दिया, क्या कर दिया, और आक्रमण किए तो जब कैंप अपना लेके गए लाखों सैनिक को, तो उनके कैंप में आग उग लग गई, तो बहुत परेशान हो गए, तो बोले जगन्नाथ जी हम आपके लिए युद्ध करें और आप हमको हरा रहे, ऐसा चलेगा तो हम हार जाएंगे। तो जगन्नाथ जी सपने में आए, बोले टेंशन मत लो, हम है ना, हम है तो क्या गम है, बोले कल टेंशन मत लो, कल हम तुमको जिता देंगे। और फिर क्या हुआ, वो लोग युद्ध करने के लिए जा रहे थे, रात को सपने में आए थे, और एक काला सैनिक आ गया और एक गोरा सैनिक आ गया, कौन आ गया, काला सैनिक और एक, और ये लोग आगे आगे जा रहे थे, और बहुत धूप थी, मई का वैसाख का महीना था, बहुत गर्मी थी, तो एक माता जी छाछ बेच रही थी, बूढ़ी माता जी क्या बेच रही थी, तो इनको प्यास लगी थी ये दो लोग को, काले को और गोरे को, घोड़े से जा रहे थे, छाछ ले लो, छाछ छाछ छाछ, बोले दे दो दे दो, बोला ले लो, तो बोले दे दो, वो पी गया पूरा, पूरा हांडी खत्म कर दिया, इतनी बड़ी हांडी थी, वो बड़ी खुश हो गई, वाह हाँ देखिए आदमी पूरा पी गया, 2000 रुपया निकालो, बढ़िया है। बोले पैसा तो हम लोग पास है ही नहीं, बोला है पैसा बिना कहीं छोड़ देंगे, बोला आप ही तो बोले छाछ ले लो, तो हम लोग ले लिए, तो ले लो तो पैसा कौन देगा तेरा बाप, बोला हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा पूरा पूरा पूंजी यही है, हमारे पास कुछ नहीं, इसीलिए मैं घर चलता है। बोलता मैया अब जो है, हम लोग तो भाई फोकट लोग हैं, आप तो बोले ले लो, तो हम लोग ले लिए। हाँ अरे मेरा किस्मत फूट गया, ऐसा बहनी है समय, ऐसा लोग मिला, पूरा बेचारी सर फोड़ने लगी अपना, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा घर कैसे चलेगा। बोलता मैया अभी तो हमारे पास पैसे नहीं, अब क्या करें, तो ठीक है सोने की मेरे उनके एक अंगूठी थी, बोले ये ले लो, अब पीछे राजा आएंगे उनको बोल देना दिखा देना, तो शायद आपको कुछ पैसा, निकल गए लोग आगे, वो अंगूठी लेकर रो रही थी, अरे का ये लोग मेरा पैसा लेके डूब गया। तब तक राजा आया पूरा सेना का, रुको रुको किधर जा रहा है, बुढ़िया हट कुचल जाएगी तू, हट रुकूंगी नहीं, मेरे जीवन का सवाल है, पैसा निकाल 2000 रुपया। क्या हो गया, कहाँ जिसका 2000, क्या तेरे को 2000 चाहिए, भीख नहीं मांग रही हूँ, मेरा मेहनत का कमाई है, मेरा छाछ का पैसा दे, कौन पिया छाछ, तुमरा ही आदमी था दूठो, वो लोग पूरा छाछ पी गया मेरा, 2000 रुपया निकालो। तो हम सबसे आगे आगे चल रहे हैं, मेरा सब सैनिक पीछे, हम राजा आगे आगे चल रहे हैं, कौन आगे आ गया रे, बोलो तो नौटंकी नहीं, तुम्हारा दुठो आदमी था, कौन आदमी था, बोले काला था एक गोरा था, पूरा छाछ भी गया। तो समझ गए कौन आ गए, जगन्नाथ बलदेव। बोले कैसा था चेहरा, तो बताने लगे, तो समझ गए कौन आए थे। बोले कि अच्छा और कुछ हुआ क्या, बोले हाँ उसने अंगूठी दी, और राजा देखा तो उसके आंखों से आंसू बने लगे, वही सेम अंगूठी राजा ने जगन्नाथ जी को चढ़ाई थी, सोने की अंगूठी, तो समझ गया किसका अंगूठी है। अब वो कन्विंस हो गया कौन आया, वो बुढ़िया के पाँव में गिर गया, अरे बुढ़िया
तेरा जीवन सफल हो गया रे, तेरे हाथ से भगवान ने क्या पिया, अब तेरे को 2000 क्या दे रहे बुढ़िया, तेरे को मैं 2-4 गांव दे देता हूँ। उसको 4-5 गांव दे दिया कि 4 गांव की मालकिन है, जो भी टैक्स आएगा सब तेरा। और जिस गांव में भगवान ने उसका औरत का नाम था मनिका, उस औरत का नाम था मनिका, तो उसके नाम से गांव कर दिया मनिकापट्टनम। अभी भी है मनिकापट्टनम, हम जाएंगे तो मनिकापट्टनम नाम का दक्षिण भारत में गांव है, जिस गांव में भगवान ने क्या पिया था अभी भी है। तो उन्होंने क्या पिया, तो फिर राजा बोला तू तो तेरा जीवन सफल हो गया, तेरे को अब खटने की जरूरत, भगवान की सेवा के तूने उसको 5-6 गांव उसके नाम पे कर दिया। और बोला तेरा कितना सुंदर भाग्य, और राजा खुश हो गया कि आगे आगे कौन चल रहे हैं, और पूरी सेना को 2 लोग मिलकर हरा दिया, और जीत गए कौन, हमारे पुरुषोत्तम देव। अब जब झगड़ा चल रहा था पुरुषोत्तम देव और राजा में, तो बातचीत में बोले तुमको तो हम लोग हरा देंगे, बोले तुमको हम हरा देंगे, बोले तुमको हराएंगे और तुम्हारे जगन्नाथ को हम गणेश के पीछे रखेंगे, बोला हम तुमको हराएंगे और तुम्हारा गणेश को पीछे रखेंगे। तो फिर हार गए, तो गणेश जी को लाया गया और भगवान जगन्नाथ जी के पीछे उनका मंदिर, जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर जाएंगे, मंदिर के अंदर ही उनका पीछे एक मंदिर है जिसका नाम है कांची गणेश, क्या नाम है, तो आज भी वो मंदिर पुरी में। अब पुरुषोत्तम देव को बुरा लगा था कि जगन्नाथ का इंसल्ट क्या क्या किया है, तो उसने राजा को बंदी नहीं बनाया, उसकी बेटी को बंदी बना लिया, और मिनिस्टर को बोला इसका शादी एक भंगी से करवाना, किससे करवाना, झाड़ूदार से। अब बेचारी रोने लगे, वो भी भक्ति भगवान की, अब राजकुमारी का शादी किससे करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसका बाप ऐसा बोला था मतलब कि तुम्हारी शादी नहीं करेंगे भंगी से, तो बोले ठीक है अब इसका सचमुच शादी किससे कराया जाएगा। अब बेचारी रोने लगी, तो मिनिस्टर बोला टेंशन मत लो बेटी, सब ठीक हो जाएगा, जगन्नाथ जी का नाम लो। बोले मेरा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, अब झाड़ूदार शादी करेगी राजकुमारी रह पाएगी, समझ रहे हैं। और राजा ने मिनिस्टर को बोला तुम कर लेना। तो एक दिन राजा 2-4 दिन रथ यात्रा का बाकी था, बोला महाराज मैंने लड़का खोज लिया। बोला हाँ जिससे भी शादी करना कर दो। उसको एक दिन पहले बोला लड़की को रथ यात्रा पहले कल रेडी रहना, तुम बढ़िया से अपना सूट वूट पहन के, वो रो रही है कि मेरे को नहीं करना शादी भंगी से, नहीं करना, नहीं जो होगा अच्छा होगा, तुम चुपचाप अपना साड़ी उड़ी नया पहनो। बोले नहीं शादी नहीं करना मेरे को भंगी से, तुमको कल नया जो होगा अच्छा होगा तुम नया साड़ी पहनो। अब रथ के दिन वो भी एकदम नया साड़ी उड़ी पहन के दुल्हन बन के एकदम फिट पाट होके आ गई, और दुखी है कि मेरा तो आज हरी बोल होगा। और राजा को उसने बोला सर वो शादी करवाना है उस लड़की का, पद्मावती का। बोला हाँ जाओ करवा दो अभी बिजी है रथ चल रहा है, अभी उनको भगवान का सेवा करना है, और झाड़ू लेकर सफाई करने वाला था। बोला तो जिससे करवाना करवा दो, अभी तो हम बिजी हैं। बोले आप ही से करवाना है। बोला क्या पागल बोल रहा है। बोला आप ही तो बोले भंगी शादी कर रहे हैं, आप ही के हाथ में झाड़ू है, आप ही भंगी है, समझ रहे। तो राजा तो पसंद करते थे उसको, फिर दोनों का क्या हो गया, शादी हो गया जगन्नाथ स्वामी की। और फिर दोनों इतने बड़े भक्त थे, तो उनको जो पुत्र हुआ वो भी विशेष हुआ, उसका नाम पड़ा प्रताप रुद्र महाराज। 500 साल पहले की घटना है, और वो प्रताप रुद्र महाराज इतने बड़े भक्त हुए, इतने बड़े भक्त हुए कि चैतन्य महाप्रभु ने खुद उनका आलिंगन। तो माँ बाप अगर अच्छे भक्त हो तो बच्चा भी कैसा भक्त निकलता है, अच्छा भक्त निकलने की संभावना। तो फिर ये तो हमने सुनाई आपको कौन सी कथा, कांची गणेश की, अच्छा लगा तो बोले हरी बो। तो ऐसे एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रदुम महाराज, क्या नाम था। तो ये उज्जैन के राजा थे, कहाँ के राजा थे, अवंतीपुर के। तो ये रोज भगवान की हरी कथा सुनते थे, भगवान से बहुत प्रेम था। तो एक दिन वो अपनी सभा में, अब जो भगवान की अच्छे सेवा करेगा उसको भगवान को देखने की तीव्र इच्छा होगी, जो अच्छे माला जप करेंगे तो बहुत उत्सुकता होगी कब वो दिन आएगा जब भगवान की सेवा करूँ, भगवान को प्राप्त करूँ भगवान को। तो चूंकि बहुत अच्छे से वो सेवा कर रहे थे, भक्ति किए थे, तो उनको तीव्र इच्छा हो रही थी कब मैं भगवान का दर्शन। तो बहुत सारे ब्राह्मण उनके दरबार में आते थे, बोलते मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए, दर्शन करा दीजिए। तो एक ब्राह्मण बोला, एक पुजारी आए थे, बोले देखिए एक बूढ़े ब्राह्मण थे कि मैंने साक्षात भगवान को देखा है पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में,
और आपको भी अगर साक्षात भगवान को देखना है जगत में, तो कहाँ जाइए, वहां चले जाइए। और बोलते बोलते वो प्रकट अप्रकट हो गए। क्या हो गए? अब राजा के अंदर तीव्र इच्छा हो गई कि अब चलो जगन्नाथपुरी। तो मिनिस्टर ने बोला एक बार देख के आ जाते हैं हम लोग, क्या है नहीं, आप पूरा पूरा सबको लेके चले जाएंगे, एक बार हम लोग पहले देख के। तो उनका एक मिनिस्टर था जिसका नाम था विद्यापति। क्या नाम था? तो विद्यापति को भेजा, बोले देखो तुम जगन्नाथ जी का जल्दी से पता करके आओ भगवान नील माधव का, और हमें खबर दो, तब तक मैं भूखा रहूंगा, कुछ खाऊंगा। अब विद्यापति निकल गए, चलते चलते शाम को महानदी के तट पे पहुंचे, वहां गायत्री किए, फिर शाम को सबर जो जो नील माधव जहाँ भगवान थे उनके नीचे आश्रम था, वहाँ घर घर से भगवान की हरि कथा सुनाई दे रही थी, सब अगरबत्ती का सुगंध उगंध था। तो समझ गए लोग किसकी पूजा करते हैं, भगवान की। तो फिर उन्होंने पता करना चाहा, तो पता चला कि भगवान ऊपर पहाड़ में है। और विश्वासु रात भर जाके ट्रेवल करके उधर जाता था, भगवान का दर्शन करता था, उसके शरीर से बड़ी सुगंध आती थी। तो इसने भी रिक्वेस्ट किया मुझे भी करवा दी, तो इनको भी ले गए। लेकिन डर था कि कहीं ऐसी भविष्यवाणी थी कि एक राजा आएंगे और नील माधव की यहाँ की सेवा ले लेंगे, तो इसलिए लोग दिखाना नहीं चाहते थे। लेकिन विद्यापति ने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो बोले ठीक है आँख बंद करके ले जाना। तो उसकी आँख बंद कर दी, लेकिन उसने क्या किया, सरसों का बीज हाथ में ले लिया। अंधेरा था, धीरे धीरे छोड़ते गया, और बारिश का सीजन था कि आएंगे 15-20 दिन बाद तो रास्ता मिल जाएगा। तो ऐसे करके वो, और जब सुबह भगवान का दर्शन लेने के लिए गए, तो वो बगल में उधर एक कुंड था, देखिए कौवा उसमें गिरा और चतुर्भुज रूप लेके मुक्त। बोले अरे तो सचमुच कोई दिव्य कुंड है, भगवान का दर्शन करते के साथ वो एकदम पागल। अब फिर बोले अब जल्दी से किसको लेके आना है, राजा को। लेकिन फिर वो सोचे इतना बढ़िया कुंड है, कौवा गिरा और चतुर्भुज रूप लेके मुक्त, तो सोचे मैं भी कुंड में स्नान करता हूँ, मैं भी मुक्त हो गए। फिर भविष्यवाणी हो रहे तुम अकेले मुक्त होगा, और उधर राजा बेचारे भूखे पड़े थे, तो कब तुम आएगा उनको दर्शन कराएगा, तुम अकेले मुक्ति ले ले। नहीं नहीं, तो फिर वो गए। और जब सबको इंद्रदूत महाराज वेट कर रहे थे, बोले कि भाई मिल गया, बोला हाँ दर्शन हो गया, और वहाँ की माला दी। तो माला जो थी 10 दिन हो गया था, खराब ही नहीं हुई थी, एकदम फ्रेश। बोले ऐसी कैसे? बोले वो नील माधव का दर्शन के लिए देवता लोग आते रोज, और मुझे ऐसे ऐसे प्रसाद खिलाए जो मैं आपके राजा के महल में नहीं खाने मिलता है। ये कौन चढ़ाते भोग? इंद्र, चंद्र, वायु, ब्रह्म, शिव। अच्छी बात है, चलो जल्दी चलो। तब तक नारद मुनि आ गए, नारद मुनि को प्रणाम किया राजा ने, बोले महाराज आप हमें पूरी धाम दिखा दीजिएगा, आप तो साधु हैं। बोले चलो लेके गए। लेकिन जब वो लोग पहुंचे वहां पर, तो तूफान आ गया। क्या आ गया? और फिर राजा, उड़ीसा के राजा आके बोले मिलना आपसे बात हुई। बोले हम क्या करें, इतना बड़ा तूफान आया कि नील माधव के विग्रह अप्रकट। अब राजा कलेजा में हाथ धर लिए कि अरे भाई इतना दूर से मैं सब छोड़ के आया किसका दर्शन के लिए, भगवान का दर्शन, भगवान अप्रकट हो गए। तो फिर वो बोले हम और जीवित नहीं रहेंगे। तो नारद मुनि बोले चिंता मत करो, चिंता जीवन में अगर समस्या आती है तो चिंतित नहीं होना चाहिए, और भगवान को पुकारना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जीवन में अगर आपकी प्रॉब्लम्स आती है भगवान की शरण लीजिए, देखिए वही प्रॉब्लम आपका सॉल्यूशन। जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप किसकी शरण लीजिए, तो वही विपत्ति क्या बन जाएगी, संपत्ति बन जाएगी। तो नारद मुनि ने सिखाया, देखो बेटा घबराओ मत, जीवन में समस्या आएंगी, लेकिन जीवन में अगर भगवान की शरण लोगे तो समस्या क्या बन जाएगी, विपदा संपदा बन जाएगी। द्रौपदी के जीवन में समस्या आई, उसने भगवान को पुकारा, इतनी साड़ी आ गई कि वो विपदा क्या बन गई, संपदा बन। तो जीवन में विपदा आती है कि नहीं आती, घबराना नहीं चाहिए और भगवान की शरण लेनी चाहिए, तो विपदा क्या बन जाएगी। तो इस प्रकार से विपदा क्या बन गई, लेकिन इंद्रदूत को समझ में नहीं आता कि मैं इतने दूर से आया भगवान का, और भगवान मान लीजिए आप यहाँ से तिरुपति जाएं या वृंदावन जाएं कि किसका दर्शन लेना है,
और वहां पहुंचे बोले आज से 4 महीने के लिए दर्शन बंद। कैसा लगेगा? हम लोग गए थे अहोबिलम, हम लोग बच्चों को लेके गए थे पूरा दक्षिण भारत, नासिक, वहाँ से पंडरपुर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी, मारीच स्थान, जटायु का स्थान, समझे, जितने ही भगवान की लीला स्थली हैं सब हम लेके बच्चों को पंडरपुर, कोल्हापुर, तिरुपति, रामेश्वरम, मतलब नहीं श्रीरंगम, अहोबिलम। तो अहोबिलम पहुँचे तो वहाँ 9 नरसिंह है, 30-40 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो हम लोग चलते 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 एकदम कांटों में चलना पड़ता है एकदम, तो बिना चप्पल के हम लोग घूम रहे थे। तो पहुंचते पहुंचते एक दर्शन शाम को बंद हो जाता है 6 बजे, हम लोग पहुंचे 7:30 बजे, 8 बजे, अब तो दर्शन, लेकिन भक्तों की इच्छा थोड़ा दर्शन मिल जाता। तो भगवान की जैसे हम लोग कीर्तन कर रहे थे तो आधे घंटे बाद पुजारी आए, बढ़िया से दर्शन दे दिए, जबकि वह दर्शन देते नहीं रात को शाम को। लेकिन तो विपदा क्या बन गई, तो जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन क्या करना चाहिए, भगवान की शरण। तो नारद मुनि ने सिखाया कि घबराइए मत, आप किसकी शरण लीजिए, भगवान की शरण। तो भगवान की शरण लिए तो फिर आकाशवाणी हुई कि भगवान आपके लिए विशेष रूप में प्रकट होंगे। तो फिर उनको साहस मिला, फिर उन्होंने बोला कि भगवान ने बोला कि आप क्या करो, वो जब आगे बढ़ने लगे तो भुवनेश्वर आया, क्या आया, तो शिवजी वहां प्रकट हुए, बोले कि आप यज्ञ कीजिए, नरसिंह यज्ञ, उससे क्या होंगे, भगवान प्रकट होंगे। तो उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए, नरसिंह यज्ञ, और जब यज्ञ 999 पूरे हो गए तब फिर जाके फिर उनको सपने में भगवान आया, और उन्होंने देखा कि भगवान के शरीर से श्वेत दीप से एक बाल गिरा, वो समुद्र में एक लकड़ी के रूप में पकड़, फिर वो लोग एक नदी के तरफ गए, वहाँ पर उनको वो लकड़ी मिली, चक्रातीर्थ नाम स्थान है, पुरी में जाएंगे तो एकदम दूर में वो चक्रातीर्थ है, कोई जाता नहीं उधर, वहाँ पर भगवान की वो लकड़ी, और उसमें चक्री में ही भगवान के शंख चक्र का निशान रहता है। फिर उसको लेके आए वो लोग, लेकिन उठ ही नहीं रहे किसी से, फिर लेके समाओ आए, फिर उसको एक कारीगर, जो भी कारीगर आता था, जैसे अपनी इंस्ट्रूमेंट से छूता था वो टूट जाती थी, तो कोई बना ही नहीं पा रहा था, जो औजार से छूता था लकड़ी को, लकड़ी औजार ही टूट जाता था। फिर एक बूढ़े कारीगर आए, बोले हम बना देंगे, बोले आपका तो शरीर में ध्यान ही नहीं है, बोले हम बना देंगे, लेकिन हमको 21 दिन लगेगा और कोई घुसना नहीं चाहिए। बोले ठीक है, बस खाना रख दीजिएगा हम। तो 14 दिन हो गया, अब आवाज़ नहीं आ रही थी, तो रानी जो उनकी गुंडीचा रानी थी इंद्रदूम की, वो चिंतित हो गई, भाई आवाज़ नहीं, मर गया क्या, क्या हो गया। बोले नहीं नहीं कर रहा होगा, नहीं बोलो, मेरे को लग रहा मर गया। तो गेट खोले तो देखे वो है ही नहीं, और देखिए भगवान का हाथ ही नहीं है, पाँव नहीं है। बोला अरे इतना बड़ा पाप कर दिया हमने, उसने मना किया, और फिर रोने लगे। तो नारद मुनि बोले नहीं घबराओ मत, यह भगवान का दिव्य रूप है, क्या है, इसमें इनकी आंखें बड़ी हैं, हाथ अंदर चला गया, भाव स्वरूप है भगवान। इस स्वरूप में भगवान ने नारद मुनि को वादा किया था कि इस स्वरूप में जो दर्शन लेगा उसकी सब इच्छा पूरी। क्योंकि स्वरूप कैसे आया था, एक बार भगवान द्वारका में जब रहते थे तो रात को रोने लगते थे, राधे राधे ललिते, तो सभी रानियां चिंतित होती, भगवान हम लोग इतनी सेवा करते और कोई और औरत को याद करता है, आप दिन भर सेवा करें अपने पति की और मन में वो किसी और को पुकारे, आप सोए में आपको आलिंगन करे और पुकारे किसी और का नाम, तो आपको कैसा लगेगा, मन करे 2 थप्पड़ मारे, अरे सेवा करते हैं हम और याद करता है किसी और को, किससे चक्कर चला रहा है। तो एनी हाउ, लेकिन वो लोग भगवान से प्रेम करते, कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन आपस में डिस्कस की, भाई बोले हमारे साथ भी ऐसा करता है, और राधे राधे ललिते विशाखे चिल्लाते रहते हैं। तो उनके मन में इच्छा हुई कि कैसे ये लोग, क्या है लोग का प्रेम था भगवान से कि भगवान अभी भी उन्हीं को याद करते, क्या था वृंदावन में ऐसा, ये वृंदावन में आखिर ऐसा क्या है कि भगवान द्वारका में भी उनका मन यहाँ नहीं लगता, वहाँ पर ही। तो रोहिणी जो माँ थी कृष्ण की, एक जो बलराम की माँ थी, उन्होंने सब लीला देखी थी वृंदावन की, वृंदावन में कैसा प्रेम था भगवान को, वृंदावन बहुत प्रिय स्थान।
तो उन्होंने बोला कि माँ थोड़ा सुनाइए हमें कथा। क्या आखिर वृंदावन में क्या था? बोला वृंदावन की कथा नहीं सुनाऊंगी, वहाँ पर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, कृष्ण सुन लिए ना तो भाग जाएंगे, रह नहीं पाएंगे। तो एक कंडीशन है, सुनाऊंगे लेकिन कृष्ण नहीं आना चाहिए। कृष्ण बलराम आया तो फिर लोग रुकेगा नहीं था। बोले ठीक है, एक आदमी पहरेदार पे लगा देंगे। बोले पहरादार को बोला हम लोग रहेंगे नहीं, क्योंकि पहरादार कृष्ण को रोक पाएगा? बोला कोई अपना आदमी रोक सकता है, नहीं तो पहरादार कैसे कृष्ण को रोके। तो सुभद्रा बोली ठीक है मैं रोकूंगा, मैं उसको रोकूंगा, मैं रोकूंगी। अब सुभद्रा भी कथा सुनने लगी, गेट पे तो खड़ी थी और वो भी कथा। तब तक कृष्ण बलराम आ गए, उनको पता चल गया कथा चल रही है। कृष्ण की कथा किसको अच्छी लगती है? कृष्ण को भी अच्छी है। तो कृष्ण ही पहुंचे, बलराम भी पहुंच गए, वो लोग भी सुनने लगे। और सुभद्रा ध्यान ही नहीं रही, वो तो इधर सुन रही है, वो लोग भी सुनने लगे। और सुनते सुनते जब ब्रज की लीला सुनी कि वहां भगवान अपने भक्तों के प्रेम से वसीभूत हो जाते, परम पुरुषोत्तम भगवान क्या कर रहे हैं, माँ यशोदा की छड़ी से डर जा रहे, बोलते तुम चोरी करेगा मारेंगे तेरे को, समझ रहे। और कृष्ण बोलते नहीं नहीं मैया मत मारो, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, उनके माखन को हाथ से चुरा रहे, मेरे को दे मक्खन, तू चोकले पी जाएगा मधु मक्खन, ऐसे करो, झगड़ा हो चल रहा है। और ये सब लीला सुनते सुनते एकदम सब भाव विभोर, और कृष्ण बलराम भी सुने, वो भी आके भाव विभोर, और वो लोग का चेहरा एकदम हाथ अंदर चले गए, कान अंदर चले गए, एकदम आँख बड़ी हो गई। तब तक नारद मुनि आगे बोले मैंने देख लिया, मैंने देख लिया आपका यह स्वरूप, आप एकदम वृंदावन के भाव में है। भगवान बोले क्या वरदान चाहिए बोलो। बोले मैं चाहता हूँ यही स्वरूप का दर्शन आप सबको दें, और जो इसका दर्शन करे मुक्त हो जाए। हरि बोल। तब से भगवान यह सुंदर स्वरूप का दर्शन, और इंद्रदुम के द्वारा भगवान ने इस रूप का दर्शन पकड़ करवाया। फिर इंद्रदुम ने स्थापना की मंदिर की, और फिर भगवान बहुत खुश हो गए कि इंद्रदुम तुम्हें रोज साल, उन्होंने पूरा बताया कि तुम साल में रथ यात्रा का बहुत बड़ा उत्सव करोगे। क्या करोगे? पूरी में 165 उत्सव होते हैं करीबन, उसमें 12 प्रमुख उत्सव होते हैं, उसमें सबसे दो बड़े उत्सव होते हैं साल के, वो है स्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा। तभी कुछ ही दिनों में क्या आएंगी भगवान की रथ यात्रा आएगी, बहुत ही विशेष उत्सव है। जिस दिन भगवान मंदिर से बाहर आके लोगों पर कल्याण, और कोई भी रथ को टानता है तो उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है, बहुत ही विशेष उत्सव है। तो कोई भी व्यक्ति मुस्लिम हिंदू सबको भगवान जगन्नाथ जी उद्धार करते हैं, जगतनाथ हैं। कोई अगर केवल प्रसाद भी ग्रहण कर लेगा तो उसका जीवन उद्धार हो जाता है। हमने देखा है कलकत्ता में लोग सेवा करते हैं, हजारों हजार लोग को उद्धार होते हुए देखा है। एक व्यक्ति की बच्ची, एक व्यक्ति आया मंदिर में कि हमको प्रसाद चाहिए प्रसाद चाहिए। बोले क्या हो गया भाई, इतना उत्सुकता? तो बताया था कि मेरी बेटी 4 साल की थी, 4 साल से आज तक कुछ भी खाती थी वॉमिट कर देती, कुछ भी खाती थी वॉमिट। तो रथ यात्रा पंडाल में आया, कीर्तन में करते करते वो भी आ गया पंडाल में, खिचड़ी बट रही थी तो ले गया, खुद भी खाया 2-3, अपनी बच्ची के लिए भी ले गया। बच्ची 4 साल से कुछ जो भी खाती थी वॉमिट, जब खिचड़ी मुँह में डाला तो खा गई, पूरा ड्रोन खा गई। अब तो बेचारा बाप को तो मतलब इतनी खुशी हुई कि मेरी बेटी 4 साल में पहली बार कुछ, तो रोज जाता था खुद खाता था 2-3 दोना, 2-3 दोना लेके आता था बेटी, समझ रहे हैं। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद क्या कोई साधारण। मेरे एक बार भैया आए थे, चाचा जी के लड़के, ताऊ जी के लड़के, तो उनकी पत्नी आए थे मुझसे मिलने, मैं व्यस्त था तो मैं जगन्नाथ जी का खिचड़ी प्रसाद दे दिया। तो उनकी वाइफ उनको ऐसे देखने लगी, मैं व्यस्त था ध्यान नहीं दिया, भाई वो लोग आपस का मैटर क्या होगा जो पता नहीं। फिर 4 महीना बाद फिर मेरे से मिलने आए थे, बोले याद है तुमने हमें खिचड़ी का प्रसाद दिया था उस दिन? बोला हाँ। बोला एक्चुअली मैं पान परागे सब खाता था, मेरा जीभ जल गया था, तो डॉक्टर ने मेरे को स्ट्रिक्टली बोला था कि आप मिर्चा नहीं खा सकते हो बाजार का कुछ। तो मेरी पत्नी उस दिन देखी इसमें बहुत मिर्चा थी, तो मेरे को मना करी थी मत खा, लेकिन बोला प्रसाद दे, अरे मना कैसे दिया है। तो ऐसे मेरे को डॉक्टर ने मना किया, थोड़ी मिर्चा खाऊंगा तो मर जाऊंगा, ऐसी हालत हुई। नहीं उस दिन मैं पूरा खिचड़ी खा गया, इतनी मिर्ची वाली कुछ नहीं हुआ। हरि वो। तो जगन्नाथ जी के प्रसाद में क्या है, दिव्य। हमने हजारों भक्तों को देखा है, वो लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से क्या बन गए, भक्त। तो आप लोग भी भक्तों का संग कीजिए, यहाँ पर शायद हजारीबाग में भी रथ यात्रा होगी, उधर भी भाग ले सकते हैं चंपारण में।
और अगर आपको आना है तो कलकत्ता भी आ सकते हैं, हम वहाँ पर आयोजन करेंगे। और अब कितना संग दे, बहुत सारी चीज़ें हैं, हरि कथा अनंता, तो आप लोग। और अभी वृंदावन यात्रा होगी 11 से 15 अगस्त, अगर आपको उसमें आना है। हाँ मैं तो उसी में रहूँगा 9 दिन, मेरी मम्मी लोग, बहुत सारी माता जी लोग आएंगी, बिहार से भी आएंगी, 50-60 माता जी लोग, सेवा रहेंगी सबकी बहुत सारी, तो आप भी आइए, बहुत अच्छा रहेगा। जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर सेवा का, वहाँ 9 दिन की बड़ी, वहाँ 5-7 लाख लोग आते हैं रथ में, बहुत बड़ा भव्य होता है। 50 साल, अभी 53वां साल हो गया, 52वां साल, 50, पूरा कलकत्ता में घूमती है वो, पूरी वो लंबी हम लोग की यात्रा होती है। पार्क स्ट्रीट से निकलती है, हमारे मंदिर से होते हुए पूरा, मतलब नहीं, हमारे मंदिर मिंटू पार्क से निकलते हुए घूमते हुए पूरा सिक्स वे सरैनी उरैनी होते हुए पूरा एक साइड उस साइड चौरंगी रोड होते हुए घूम के फाइनली वो पार्क स्ट्रीट मैदान में आएगी। और सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था, तो आप लोग कोई भी आना चाहे आ सकते हैं, हम लोग सब व्यवस्था कर देंगे, आप लोग आ सकते हैं, आइए। और वृंदावन यात्रा है 11 अगस्त से 15 अगस्त, उसमें भी आप लोग आ सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम, राम। तो आप लोग रोज़ भगवान का नाम जप कीजिए, गीता पढ़िए। कितने लोग नाम जप करते हैं? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप नहीं करते हैं? कितनी माला करते हैं आप? माला नहीं करते? क्यों नहीं करते? हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ क्यों करना चाहिए? और अगर आप नाम जप किए और मार्क्स खराब आ गया तो होता है वो कभी कभी, तो बोले अच्छा होगा, अच्छा जरूरी नहीं भी हो तो इसलिए गीता पढ़िए और सही से समझिए और एक माला जप कीजिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? क्या नाम है आपका? आर्यन ना, क्या कर रहे हैं? 12th। और तुम क्या कर रहा है शिवान? तुम भी 12th में? कौन सा स्ट्रीम आपका? आर्ट्स। और आपका? कॉमर्स। गुड, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। और तुम माला करता है शिवान? तुम बिग बैंग थ्योरी सिखा है ना? हाँ इसलिए माला नहीं करता है? हाँ बिग बैंग करना चाहिए कि नहीं? विस्फोट का तुम जप करेगा कि भगवान का जप करेगा? क्या करेगा? सृष्टि किसने बनाई? तो भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं? अगर किसी से आप रेलवे स्टेशन में पेन लिए तो थैंक यू बोलोगे कि नहीं? आज ये हमें हवा कौन दे रहा है? हवा कौन दे रहा है हमें? हवा भगवान दे रहे हैं कि नहीं? खाना कौन दे रहा है? पानी कौन दे रहा है? सब कुछ किसका ले रहे हैं हम लोग? तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे ही समझ रहा शिवांश, तो भगवान सब कुछ दे रहे हैं तो उनको एक माला करना चाहिए कि नहीं उनका? हाँ आर्यन करेंगे आप? माला है आपके पास तो एक माला रोज आपको करना है। आप कितनी माला करते हैं माता जी? हाँ क्यों नहीं करते हैं? खराब है क्या कोई? नहीं, एक गुरु के आदेशन में करना चाहिए, अपना मन से नहीं करना चाहिए। मन से दवाई लेने से ठीक होता है क्या? जैसा नहीं, माला पे करना चाहिए, वो भी लीजिए, वो एक्स्ट्रा है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? माला पे भी दवाई खाते हैं तो अपने मन से करते हैं क्या? जो अच्छी लगी, लाल वाली अच्छी लग रही, दे दीजिए तो 2 पीस। वो पीली वाली कितनी सुंदर लग रही है, वो चमचमा रही है, हाँ स्पार्की गर्ल, वो वाली बहुत अच्छी लग रही है, मीठी लाल रंग की। ऐसा नहीं होता है, दवाई जो है डॉक्टर के निर्देशन में लेनी चाहिए, समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको रोज, हाँ अच्छा फौजी कलकत्ता में है। हरे राम राम राम, हरि बोल, हरे कृष्णा।